मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने मुझको इतना स्नेह सम्मान दिया है। देखिए, चुनाव लड़ना अथवा नहीं लड़ना ये तो पार्टी के निर्णयों पर निर्भर करेगा कि पार्टी किसको टिकट देती है। हमारा तो एक ही चीज है कि हम रायपुर की चारों सीटें जीते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज 72 और मैं हूँ सौरभ नायक। सबसे पहले राजीव अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन के न्यूज 72 की पूरी टीम की ओर से। राजीव जी, रायपुर की हर सड़क चौक चौराहे पे हम लोग देख रहे हैं आपके बधाई संदेश को लेकर, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को रायपुर की राजनीति करते हुए लगभग 37 साल हो गए। मंडल से राजनीति शुरू करी थी, बल्कि देखा जाए तो वार्ड लेवल से मैंने कार्यकर्ता अपनी राजनीति शुरू करी थी। सिविल लाइन मंडल का अध्यक्ष रहा, उस समय पूरे रायपुर में खाली 5 ही मंडल हुआ करते थे, आज के 2 विधानसभा के बराबर एक मंडल है था उस समय। और लगातार विभिन्न पदों पर रह करके काम किया, 8.5 साल रायपुर जिले का जो मैं अध्यक्ष रहा, उसके कारण एक एक कार्यकर्ता से मेरा परिचय हुआ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता से मेरा पारिवारिक संबंध बना, और उसी का कारण है कि उन कार्यकर्ताओं ने ये मेरे बधाई संदेश जगह जगह लगाए हैं। मैं भी जब निकला हूँ सड़क पे तो मैं देख रहा हूँ कि कौन ना किसने कार्यकर्ताओं के अलग अलग संदेश लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार प्रदर्शित करता हूँ कि जिन्होंने मुझको इतना स्नेह सम्मान दिया है। ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं तो केवल एक छोटा सा, आपने देखा होगा, जलपान का कार्यक्रम घर में रखता हूँ कि मेरे घर पर अगर कोई कार्यकर्ता आ रहे हैं बधाई देने के लिए तो मैं उनका मुंह मीठा करा सकता। राजीव जी, अभी भाजपा का गोठान खोजो अभियान चल रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये गोठान का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से डूबा हुआ कार्यक्रम है। 1300 करोड़ रुपए का इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसके अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया मनरेगा का है, और बाकी केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दिया जाता है पैसा, 14वें और 15वें वित्त आयोग का पैसा है, वो सब गोठानों में लगा दिया गया है। किसी भी गोठान में गाय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्व सहायता समूह की बहनों को रख दिया है, अगर गोबर खरीदी हो रही है तो उनका जो खाद बिक रहा है वो खाद का पैसा समय पे नहीं आ रहा है, और समय पर अगर दे रहे हैं तो वो आधा अधूरा दे रहे हैं। कहते हैं कि 10 रुपये किलो में खाद बेची जा रही है, 30 किलो की बोरी है तो वो 300 रुपये की हुई। हम लोग एक गोठान में गए जहाँ की स्व सहायता समूह की बहनों ने बताया कि 600 बोरी उन्होंने बेचा है और उनके खाते में मात्र 53,000 रुपये आया है, आना 1,80,000 चाहिए था। मतलब 50 रुपया रोजी भी स्व सहायता समूह की बहनें जो काम कर रही है गोठान में उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। तो इस सरकार ने केवल अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्व सहायता समूह की बहनों का भी शोषण किया है और महाभारी भ्रष्टाचार भी इसमें किया है। राजीव जी, उत्तर विधानसभा से आप काफी सक्रिय रहते हैं, तो क्या उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ते इस बार नजर आएंगे हम राजीव अग्रवाल जी? देखिए, चुनाव लड़ना अथवा नहीं लड़ना ये तो पार्टी के निर्णयों पर निर्भर करेगा कि पार्टी किसको टिकट देती है। हमारा तो एक ही चीज है कि हम रायपुर की चारों सीटें जीते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता। हम फिर किसी विषय को लेकर राजीव अग्रवाल जी से जोड़ेंगे, तो आप लोग देखते रहे न्यूज 72।